नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बेहतरीन क्वालिटी का जाम्बिया का पन्ना। आपके सामने स्क्रीन पर है, 5 पीस का यह छोटा सा पैकेट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस पन्ना रत्न का प्राइस जो आपके सामने है, पन्ना रत्न किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों को पहनना चाहिए, पन्ना रत्न किस वर्ग के लोगों को पहनना चाहिए, किस बीमारी में काम करता है, साथ ही साथ पन्ना रत्न धारण करने की विधि, इसके लाभ और पहचान के विषय में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। पन्ना रत्न मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों का राशि रत्न है, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों का भाग्य रत्न है, तुला राशि वाले जातक भी ज्योतिषी की सलाह से पन्ना पहन सकते हैं। बाकी राशि एवं लगन वालों को पन्ना ज्योतिषी या अच्छे साधक की सलाह से ही पहनना चाहिए। प्रिय साथियों, यह पन्ना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी कीमत है 3000 रुपये पर कैरेट। बहुत ही शानदार 6 कैरेट से लेकर के 10 कैरेट साइज के यह पीस हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल क्लियर शानदार रत्न है। लैब टेस्ट करा करके आपको देंगे। पन्ना रत्न विद्यार्थी वर्ग और व्यापारियों को विशेष रूप से धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मेमोरी पावर कमज़ोर है, जस्टिस पावर कमज़ोर है, जो पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो लोग जिनका व्यापार वाणी से संबंधित है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट, जो कलाकार हैं, फिल्म लाइन में काम करने वाले लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, तो उन लोगों को पन्ना रत्न अवश्य पहनना चाहिए। प्रिय साथियों, पन्ना रत्न बुधवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक बुध की ओरा में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसको कच्चे दूध में डाल दे, ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, या ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद में कनिष्ठिका उंगली में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न धारण करने के उपरांत कुत्तों को, पशु पक्षियों को कुछ भोजन अवश्य कराना चाहिए। किसी सिद्धपीठ या मंदिर में जाकर भी आपको भगवान का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए, इससे आपका रत्न धारण करना बेहद शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, बुध हमारे ज्योतिष में राजकुमार का पद प्राप्त है। पन्ना रत्न बड़ा और अच्छा सुंदर खूबसूरत पन्ना पहनने वाले व्यक्ति के चेहरे का ग्लो बना रहता है, उसका चेहरा बहुत जल्दी से डाउन नहीं आता। यह पन्ना रत्न की एक बड़ी विशेषता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आप पन्ना रत्न कनिष्ठिका उंगली में, अनामिका उंगली में या लॉकेट में धारण करके लाभ उठा सकते हैं। पन्ना रत्न चांदी या अष्टधातु या स्वर्ण की अंगूठी में या लॉकेट में आप धारण कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सभी प्रकार की वैदिक पूजा पाठ के लिए, राशि रत्न खरीदने के लिए, वास्तु विजिट के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।